हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको मालूम है कि अभी कोविड की वजह से जॉब्स की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है, ठीक है। तो कोई भी छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करना कोई ख़राब आइडिया नहीं होगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो स्लीपर्स होती हैं, चप्पल होती हैं, उसको हम किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और उसके लिए क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, किस तरह की मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है और कितना प्रॉफिट मार्जिन्स रहते हैं उसमें। तो ये सारी चीज़ें मैं बात करने वाला हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मार्केट पोटेंशियल की बात करें तो हर कोई इसको यूज़ करता है स्लीपर्स को, चाहे आपका बड़ा हो, छोटा हो, आदमी हो, औरत हो, हर कोई इसको यूज़ करता है। तो इसका बड़ा मार्केट पोटेंशियल है और हर जगह आप इसको यूज़ करते हैं, जैसे चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे आपका शहरी क्षेत्र हो, सब जगह इसको यूज़ करते हैं। और एक छोटा इन्वेस्टमेंट, जैसे आप सिर्फ 2 लाख तक का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। इवन 2 से कम में भी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। 2 लाख में आपका पूरा आ जाएगा, मशीन्स भी आ जाएंगे, रॉ मटेरियल भी आ जाएगा, मैन पावर तक का। इसके बाद रॉ मटेरियल की अगर हम बात करें तो इसमें रबर की शीट आती है, तो रबर की शीट यूज़ करते हैं। और रबर की शीट जो आती है उसकी जो कॉस्टिंग होती है वो करीब 4 रुपये पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से पड़ती है, तो कोई बहुत ज़्यादा महंगी कॉस्ट नहीं है उसकी। और इसके अलावा फिर इसमें जो रबर की शीट होती है उसको काटने के लिए जो डाई आती है, जिसमें जिस भी साइज़ की आपको चाहिए, जैसे आपने देखा वो स्लीपर नंबर के हिसाब से आती है, 5 नंबर 6 8 इस तरह से, तो नंबर के हिसाब से डाई आती है और कलर के हिसाब से भी डाई आती है। तो डाई आप यूज़ कर सकते हैं, डाई एक तरह का सांचा होता है। स्ट्रैप्स जो बद्दी डलती हैं चप्पल्स में, उनको स्ट्रैप्स बोलते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग, मतलब जो कार्टून्स वगैरह यूज़ करते हैं वो पैकेजिंग मटेरियल है। पैकेजिंग आपका पॉलीथीन आ जाएगा प्लस जो कार्टून हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा यदि हम एरिया की बात करें तो करीब 400 से 500 स्क्वायर फीट एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। मशीन्स की हम बात करें तो इसमें सोल कटिंग मशीन आती है, जो कि नीचे का सोल काटने के लिए। अभी हम वीडियो के थ्रू ये सारी चीज़ें और समझने वाले हैं। ग्राइंडिंग फिनिशिंग मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, स्ट्रैप इंसर्टिंग जो आपका बद्दी लगाते हैं उसको इंसर्टिंग मशीन, ड्रिल मशीन होल करने के लिए, प्रिंटिंग मशीन प्रिंट करने के लिए। तो आगे देखते हैं अभी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये सोल कटिंग मशीन है और बेसिकली ये मोटराइज सोल कटिंग मशीन है। इसमें मोटर लगा हुआ है और उसके साथ इसमें डाई लगा हुआ, तो उसी साइज़ का जो सोल कट के मिल जाएगा आपको। तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारी चीज़ें, ठीक है। जो आपकी रबर की शीट आती है वो उससे सोल काटा जा रहा है। अब इसमें प्रिंटिंग की जा रही है, ये प्रिंटिंग के लिए मशीन भी आती है और इस तरह से भी आप प्रिंट कर सकते हो। यदि आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है तो आप इस तरह का सेटअप यूज़ कर सकते हो, ऊपर टेम्पलेट लगा दो और कलर हो जाएगा उसमें। और नीचे सोल के लिए अलग कलर की शीट्स आती हैं, जैसे रेड है, ब्लू है, ग्रीन है, जिस तरह का आपको कलर चाहिए उसकी शीट आती है, उस तरह का आप सोल बना सकते हो। आगे देखेंगे आप, यहाँ पर ये सेग्रीगेशन हो रहा है, जो आपके स्लीपर बनी है तो उनका सेग्रीगेशन हो रहा है, मतलब नंबर के हिसाब से। ये आप देख रहे हो इसमें स्ट्रिप डाला जा रहा है, ये स्ट्रिप डालने की मशीन है, ये बहुत सस्ते आते हैं। और ऑन एवरेज एक जो आपकी स्लीपर बनती है उसकी जो कॉस्टिंग आती है वो करीब 30 से 40 रुपए आती है पैकेजिंग को मिला के। और अब मार्केट में उसको 90, 100 रुपये, 120 रुपये तक सेल कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली मैनुअल मशीन है, जैसे आपको यदि मोटराइज नहीं चाहिए तो ये मैनुअल सोल कटिंग मशीन है, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल सस्ता जुगाड़ है एक तरह से बोला जाए। और जैसे यदि आपको बल्क में ऑर्डर लेना है तो बल्क में ऑर्डर लेने के लिए आप क्या है किसी कॉलेज से कोलैबोरेट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स में ज़रूरत पड़ती होगी, हॉस्पिटल से कोलैबोरेशन कर सकते हैं। तो जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनसे आप कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को, जिससे आपको बल्क में ऑर्डर एक साथ मिल सकें, और रिटेलर्स होते हैं उनसे कनेक्ट कर सकते हो।